अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज तो सुबह सुबह बारिश ही रात को होती रही है। काफ़ी सारी फलियां नीचे गिर चुकी हैं, ये देखें क्योंकि इकट्ठी की जा रही हैं। बच्चा पार्टी के लिए आज से इम्तिहान शुरू हो गया क्योंकि सर्दियां आ गई, तो सर्दियां इनके लिए जाना समझे कि मौत का ही पैगाम ले गया थे। इधर फिलहाल माहौल ठीक है, रात को जानवर इसके अंदर होते हैं तो सुबह बाल किसी के भी नहीं आज खड़े हुए थे। नहीं, सर्दी आ गई है तो कोटी भी आज पहननी पड़ गई है क्योंकि बारिश रात में काफ़ी होती रही है। ये रोटी, मजीद रोटी आ गई ये ले मैडम। ये लो कीकर की फलियां जनाब काफ़ी सारी सुबह आज उतरी हैं, तो ये अभी बकरियों को फीड करवाते हैं। आज वो फलियाँ खा लो। ये देखें जनाब कितने ज़्यादा यहाँ पे आ गए गंडोए। रात को बारिश हुई है, ये देखिए इतने ज़्यादा गंडोए यहाँ पे आ गए, फुल हो गया गंडोए से। इधर चेक करें, इधर तो बहुत ज़्यादा हैं, ये देखें सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हो गए। ये जनाब चेक करें कितने ज़्यादा, ऐसे लग रहा है जैसे सांप रेंग रहे हो ना। और बारिश रात को काफ़ी हुई है, इससे आगे तो आज सारा पानी है, लेकिन ये है कि जंतर मंतर सारे एक बार फिर पानी में। अब जंतर का बंदा पता नहीं क्या हमने लगा तो दिया है, सब जब इस तरह खिला नहीं सकते और ड्राई इसने उम्मीद है होना कोई नहीं। रात को जनाब 2:30 बजे तकरीबन जब बारिश हो रही थी तो ये महलूक जो है ना खुशी से इस तालाब में नहा रही थी। और सर्दियों की रातों में 2:30 बजे ये महलूक बारिश में नहाती है, कैसी महलूक है। और ये एक और खुरली बन के आ गई। अब तकरीबन सारे जानवरों के वार्डों में इस तरह की खुरलियाँ पहुँच चुकी हैं। सीधी साइड, ये सीधी साइड, मौसम हो गया काफ़ी ठंडा। चेक करते हैं अगर इस साइड पे ठंड है, फिर ये इनका खाने पीने का सामान उधर ले जाते हैं क्योंकि यहाँ से हवा कुछ ना कुछ अंदर आती है ना। उधर तो हवा बड़ी ठंडी थी, इसको उठा के इधर रख दिया ना, अब उम्मीद है बेहतरी हो जाएगी। एक बच्चे को ना आज भी इनमें डायरी है और उस बच्चे ने क्या काम किया आपको दिखाते हैं। एक दूसरे बच्चे के बैठे के ऊपर आके सारा उसने पार्टी कर दी है, ये देखिए बैठे बच्चे के ऊपर गंद डाल दिया। बच्चे को ना पीना आ गया, अभी देखे दोबारा भी पी लेते। दोबारा पानी आता है तो फिर पी लेते। इनको भी आज ये रख दी, अब इनकी भी मौज लग जानी।
ये देखा जी, अब इनका पहला तजर्बा ना, अभी डर भी नहीं, आस्ता आस्ता इन्हें पता चल जाना ये क्या चीज़ है। अभी तो ऊपर चढ़ के तो वैसे तजर्बे का नहीं है ना, है क्या, एक 10 मिनट में इन्हें पता चल जाना कि ये तो खाने वाली चीज़ है। देखें अभी इन्हें नहीं पता चल रहा क्या करना है, ये सारी खड़ी हैं इधर, ये क्या आ गया, ऊपर घुस रही है। ये पहली बकरी है जिसने इसमें से खाना सीख लिया, वो देखा इसने इसमें से निकाल लिया, अब ये दूसरी है जो ट्राई करेगी। आस्ते आस्ते 10 मिनट में ना इन्हें पता चल जाना है क्या गेम है। अब जो है ना वो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट बाद अब काफ़ी इनकी रूटीन जो है ना वो ठीक हो रही है। अब इन्हें काफ़ी सारों को पता चल गया कि ये मामला है, कुछ को भी नहीं पता चला, वो दूर दूर खड़ी है। अच्छा आज हम खुरली बन के आई है ना, इसमें काम ये करने वाले हैं कि जो पहले इस खुरलियाँ बनाई थी ना उसमें इस तरह के 3 थे, एक वो है, इधर कोई नहीं, सुबह उसे बनाएँ, ये इधर लगाएँ ये ताकि बंद हो जाए। और दूसरा ये है ना, इधर इसके हैंडल कोई नहीं, ठीक है, अब जितने के हैंडल नहीं है वो सब के हैंडल लगवाएं। तीसरा ये है कि इन्होंने ना इधर से इसको ऊंचा कर दिया, ये देखना ये ऊंचा हो गया, तो ये बंद भी करें ना तो ये इसके साथ नहीं लगती। इधर से ये देखा ये नीचे है इसके लेवल पे, इधर से ठीक है, इधर से इसको ऊँचा कर दिया, ठीक है, ये देखें, तो इसको भी डाउन करें, इसके कुंडा लगाएँ और पीछे इसके जो है ना एक वो जो बना हुआ है वो लगाएँ, सुबह लाजमी इसको बनाएं। और सारे ये जितनी खुरलियाँ ये मछलियाँ सब यार ट्रे सुबह लाजमी खाली करवाया करें, ये जो होते हैं देखें नीचे काफ़ी लूसन गिरा हुआ है ना, नीचे तब गिरता है लूसन जब ट्रे खाली ना हो, तो सुबह शाम ट्रे लाजमी खाली करवाएं। वो काका है जिसके बारे में फारसी कहावत है, गमना दारी बुज बाहर क्या या कहीं भी चैन से बैठने नहीं देते जना मेरा साहब, गल करने वाली बुढ़े हो गए हम, छड़ दो जवाना वाले काम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जवानी का राज की है। अब जनाब अमजद साहब और मिर्जा साहब फार्म विजिट करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं, बकरे देखने से पहले जो मर्जी उठा दो। ऑयल बनाते हैं ना उसका जो मसाला बचता है वो इन्हें डाला खाती है कि नहीं, लेकिन तो नहीं लगता खाए मुश्किल है। थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ तो बकरियों को आज़ाद कर दिया गया ना, ये भी थोड़ी धूप लगवा दी। शेप पहले नंबर खाने में ना इस बकरी का अगला बायां पांव बनने वाला है, मैं सारे एक बार चेक कर लीजिए। मैंने साहब ने बात हमारे साथ समोसे खाने जाने, मैंने साहब आप बड़ी तेज़ ध्यान ना, अब हम यहाँ से जी टी रोड पार करके रात आने से पहले पहले भाग जाएंगे। नहीं मैं समोसा सिंगल प्लेट डबल का ऑर्डर करो, डबल डबल का ऑर्डर कर दो, डबल कर दिया ठंडी आ गई है मैं साहब, अच्छा ठंडी ठंडी है ठंडा है, कंप्लेन करो ना, कंप्लेन करो बेटा साहब, बादल ठंडी है ठंड।
मैनेजर साहब जनाब वापसी पे गेट ऑटोमेटिकली खोलने की कोशिश कर रहे हैं, कोड़ी बन के खोल ली नहीं, खोल लिया आए फिर जनाब फसल में जंतर में पैसे घुसी हैं किसी। मैनेजर साहब कितना सोहना मौसम हो गया है, मौसम भाजी रात में जिस वेल शबनम पैनी है ना, त्रेल पैनी है, उस बाद हवा है जी है ना, इन्हें सर्दी के इजाफा करना, ठंड लै के आ रही है, दोबारा रात में भी अंज हवा चलती रहे तो फिर जर्सी स्वेटर हाँ जी सर्दी का सीजन का आगाज हो जाएगा, जो हवा ना जल्दी है फिर सर्दी का सीजन डिले हो जाएगा। अच्छा अभी मतलब मच्छी विके दी, मच्छी कल ज़्यादा विके दी, अज नहीं विकन लगी कल ज़्यादा विके दी, अज रात में ठंड पी ना फिर कल सवेरे सवेरे उठ के सारे दौड़ ला जा रहे मूंगफली मूंगफली तो पक्की गल है। मौसम कुछ ठीक हुआ तो जानवरों को भी बाहर निकाल दिया गया, हवा तो ठंडी चल रही है लेकिन धूप निकली हुई है, लेकिन कितनी तेज ठंडी हवा है, सब कैसे कैसे तरह निकालते हैं। इसे तरह निकाल उठ जो मैनेजर साहब चलो चलो चाह तंग आई हर घंटे चाह पीने बंद ने कैसी है बेहतर है घट ही उम्मीद है मैनेजर साहब तुम चेक चेक करके दसो एक लाइन की दर्द निकल जानी है काफी हद तक सेट हो गई, अब इन्हें पता चल गया कि किस तरह सिखाते हैं ना, अब ये सही खाने लग पड़ी। अब इन्होंने दो तीन दिन में देखिएगा बोटा ताज़ा हो जाता। मिर्जा साहब तुसी भी इस काम दे जी बड़ा फिरे टू रहे हो, इस तरह की खुरली कदे वेखी जी? नहीं दे साढ़े मुल्क जिस जदू इस तरह की खुरलियाँ बन गई जैसी खुरली चल रही आम लकड़ी वाली जी खुरली, जब इस तरह से बन गया फिर जानवर रखना बड़ा आसान हो जाएगा, काफ़ी थोड़ा वेस्ट जो है ना वो कवर हो जाता है, वेस्ट नहीं हो रहा काफ़ी खाना समझ के मेरा सर एक कपड़े खाने नहीं बुला जे कोई नहीं सर है बड़ी गल टुर गई नहीं वो जाती नहीं खा के जाती बच्चों के दूध का हो गया टाइम, मिर्जा साहब जनाब हमसे वीडियो बनवा रहे हैं बच्चों के बारे में, कौन बनवा रहे हैं आप बनवा रहे हैं? मिर्जा साहब बनवा रहे हैं तो बच्चों के दूध पीने का टाइम है तो मैंने कहा इन्होंने शोर लाजमी करना है, शोर में वीडियो बना लेते हैं मिर्जा साहब ठीक है जी बना लें, चलो अंदर जाके बनाए बाहर थोड़ा इंतजार कर लेते हैं।
गोटलैंड की शर्ट पहन के घूम रहे हैं। सुहाना हो गया, बिल्कुल हवा रुक गई है और क्या ना कि सर्दी कंट्रोल हो गई है ना काफ़ी। अब जनाब क्योंकि सर्दी भी आस्ता आस्ता शाम होने वाली है तो इसलिए फिर इनका भी खाने पीने का सामान अब अंदर लेके जा रहे हैं। इतना प्यारा मौसम हो गया है, पीछे कोयल भी बोल रही है, दूर तक आसमान सारा साफ हो गया बारिश की वजह से। जनाब सनसेट, सूरज डूबने का नज़ारा ये देखिए, सामने बकरी है ना, इस पे ऐसे लगता है जैसे ये क्या लिखा हुआ है अज्यूम करें मतलब अगर हम अज्यूम करें कि ये क्या है, एक मजहबी नाम बनता है, लेकिन ये जस्ट अजम्पशंस हैं, हमारे जहन की तहलीकात है, असल में है जस्ट एक कलर पैटर्न में कुछ। रात के बज गए जनाब 6 और द मार्वल्स मूवी लगी हुई है सिनेमा पे, हम तो देखने जा रहे हैं, आप लोग भी करें आराम, सुबह की मुलाकात, अल्लाह हाफिज़।